guys. प्रत्येक उपनिषद को प्रारंभ करने से पूर्व ये मंत्र विष्णु ने पढ़ा और भाटिया माता जी बैठी और भी यहाँ सज्जन बैठे हैं। कई लोगों ने मुझे प्रश्न भी किया था, वैसे आप सब लोग इस बात जानते हैं, लेकिन इस मंत्र का मैं सामान्य सा अर्थ करता हुआ कठोपनिषद को प्रारंभ करने जा रहा हूं। और ये कठोपनिषद जो आज हम प्रारंभ करेंगे, इसको मान लो आप वंचित होकर के पढ़ेंगे तो आनंद आएगा जी, और पता चलेगा कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा इस भारतवर्ष के अंदर रही। तो एक गुरु और शिष्य आपस में मिलकर के बैठे हैं और इस मंत्र को पढ़ते हैं और मंत्र क्या कह रहा है, सहना। मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जा रही कि हे जगदीश्वर आप सर्व रक्षक हो। परमात्मा के लिए क्या बोला है, आप सर्व रक्षक हो, सबकी रक्षा करने वाले हो, सबको कदम कदम पर चेताने वाले हो। यदि हम बुराई की तरफ, अविद्या की तरफ, अज्ञान की तरफ कदम भी रखते हैं तो परमात्मा आप हमको कदम कदम पर सचेत करते हो और हमको बताते हो कि इस तरफ बन जाओ, ये गलत रास्ता है। तो परमात्मा सबकी रक्षा करने वाले हो तो गुरु अपने शिष्य से कहता है सहना भवतु, यानी गुरु शिष्य की रक्षा करने वाला हो और शिष्य गुरु की रक्षा। अब शिष्य गुरु का कर्तव्य बनता है कि ब्रह्मचारी उसके सानिध्य में आया, ब्रह्मचारी सब कुछ छोड़ करके अपने माता पिता को, परिवार को, समाज को छोड़ करके गुरु के आलिंगन में, गुरु के आश्रम में आया है शिक्षा लेने के लिए। तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य की क्या करे, रक्षा। और शिष्य का भी कर्तव्य है, इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि वो गुरु की क्या करे, रक्षा, यानी वो एक दूसरों की रक्षा करे। और दोनों भी करके प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम दोनों की क्या करे, रक्षा। और याद रखना दुनिया के लोगों की परमात्मा सबसे बड़ा रक्षक, परमात्मा से बड़ा रक्षक कोई दूसरा, आइए परमात्मा रक्षक है कि नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। क्योंकि गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत सुंदर सा दर्शन हमारे बीच में दिया है, न्याय दर्शन। और उसमें 16 तत्वों की वो चर्चा करते हैं। जब मैं न्याय दर्शन को पढ़ रहा था मान लो, तो उसमें 16 तत्व हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यवय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और दिग्रस्ता। इन 16 तत्वों का वर्णन करते हुए वो आत्मा परमात्मा के पूरे सूक्ष्म रूप को और कैसे हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं प्रमाणों को भी महर्षि गौतम ने बहुत विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न किया। और उन्होंने कहा था कि यदि अपनी बात को आप पुष्ट करना चाहते हो तो एक चीज उन्होंने बताई है, दृष्टांत। आप यदि कोई चीज बताना चाहते हो, किसी को सुनाना चाहते हो, अपनी बात को परिपक्व करना चाहते हो, आसानी से दूसरों की समझ में आ जाए, तो महर्षि गौतम कहते हैं उसके लिए क्या दीजिए, दृष्टांत। तो आइए, परमपिता परमात्मा सर्व रक्षक हैं कि नहीं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इसको मैं दृष्टांत, एक छोटा सा दृष्टांत देकर के समझा रहा हूं। एक राज्य के अंदर एक राजा और एक मंत्री। शांति अंतरे शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पति
सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। गुरुवर विद्यानंद की जय। संसार के समस्त महापुरुषों की जय। संसार की समस्त वीरांगनाओं की जय। आप ये समाज देव की ज्योति सबको सादर नमस्ते।